भाइयों और बहनों, जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है और यही तो बाबा साहब आंबेडकर का सपना था, यही तो संविधान की सच्ची भावना है। जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम आया, ये पूरा देश देख रहा है। बीते 9 वर्षों में देश की 11 करोड़ माताओं, बहनों, बेटियों को इज्जत घर, टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी 30 लाख से अधिक परिवारों की माताएं, बहनों को भी ये व्यवस्था मिली है। बीते 9 वर्षों में देश में 9 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों को उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। तेलंगाना के 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। साथियों, परिवार तंत्र तेलंगाना सहित देश के करोड़ों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था। हमारी सरकार में आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तेलंगाना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तेलंगाना के लाखों गरीब साथियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। तेलंगाना के 1 करोड़ परिवारों का पहली बार जनधन बैंक खाता खुला है। तेलंगाना के 2.5 लाख छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी का मुद्रा ऋण मिला है। यहां 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए भी मिले। ये वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार वरीयता मिली है, प्राथमिकता मिली है।